ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है द एस सी एफ ऑफ 48, 32 एंड 96 इज। एस सी एफ का मतलब होता है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं देखो, जैसे आपको नंबर दिए हैं 48, 32, 96, इनके सबके अलग अलग फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे होता है, ऐसे होता है जैसे अब ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से क्या हो जाता है, डिविजल मतलब डिवाइड हो सकता है, इसलिए पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4 और ये हो गया 8 ज़ा, तो 2 4, जैसे 2 के टेबल में 8 कब आ रहा है, 4 ज़ा, तो 24। अब ये नंबर भी देखो 2 से डिविजिबल है, जैसे अपन डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ते उसको देखकर हमको समझ में आता है कि ये कैसे नंबर डिवाइड होते हैं। तभी ये हो गया 2 से फिर से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया आपका 12। अब 12 फिर से 2 के टेबल में आ रहा है, ये 2 से फिर से डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 हो गया, ये हो गया 6 ज़ा, है ना। 2 12 जब आ रहा है तो 6 ज़ा की पोजीशन पे आ रहा है, अगेन 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 2 डिवाइडेड बाय 3। अब ये नहीं हो सकता, तो अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3। इसको जब हम ऐसे डिवाइड करते हैं नंबर्स को, तो ये बोलते हैं फैक्टर बनाना, है ना। तो अब 48 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2, सेकेंड वाला 2, थर्ड वाला 2, फोर्थ वाला 2। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इसलिए लिखेंगे क्योंकि जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वापस से 48 बन जाएगा। अब वैसे ही आप क्या करोगे, 32 को फैक्टराइज करोगे, तो देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 से चलते हैं, तब ये 2 से डिविजिबल है, इसलिए 2 1 ज़ा 2। अब बच्चा यहाँ पे अपन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 1 के बाजू में उतारेंगे 2, तो बन जाएगा 12, तो 2 6 ज़ा 12। अब ये 16 फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 2 8 ज़ा 16। फिर से क्या करोगे, ये 2 से फिर डिवाइड हो सकता है, तो 2 4 2 4 ज़ा 8, अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4। अब ये 2 1 ज़ा 2, जब 1 आ जाता है तो हम स्टॉप हो जाते हैं। अब देखो 32 के फैक्टर क्या निकल गए, 2 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा 2, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये पांचवा, 5 बार हुआ ना, 1 2 3 4 5। वैसे आपने 1 2 3 4 5 इनको अपन ने पैरेलल में लिख लिया। अभी आपका लास्ट नंबर है 96। अब 96 का भी अपन फैक्टर निकालेंगे, 96 के फैक्टर निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे 96 के फैक्टर, अगेन 2 की डिविजिबिलिटी लग रही है, यानी 2 से ये नंबर डिवाइड हो सकता है, जब तक 2 से डिवाइड होगा तब तक 2 से करेंगे, फिर नहीं हुआ तो 3 से, 3 से नहीं हुआ तो 4 से, ऐसे रेगुलर चलते हैं, कभी भी अचानक जंप नहीं करते हाँ। तो ये हो गया आपका, ये 8 ज़ा, जैसे 2 4 2 2 4 का डिवाइड किए तो 8 आएगा, 8 से सब्सट्रैक्ट किया तो 1 1 को उतारा तो 16। फिर हम क्या करेंगे, ये 16 को 2 के टेबल में आता है, 8 ज़ा 16, ठीक है। अब फिर से ये 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 1 ज़ा 2 ज़ा, फिर ये नंबर 2 6 ज़ा, फिर ये नंबर 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3। अब ये 96 के फैक्टर आ गए, तो 96 के फैक्टर भी लिखो, एक के नीचे एक फैक्टर्स लिखते जाते हैं, 1 2 3 4 5 5 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5, और ये आ गया 3 ज़ा। अब ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते समय तीनों में वो नंबर रहने चाहिए, जैसे पेयर फॉर्म होना चाहिए, तभी देखो 2 का पेयर फॉर्म हो रहा है एक, तो हम यहाँ पे एक कॉमन 2 लिख लेंगे, ये तीनों का मिलाकर 1 2। अब इसका भी जोड़ा बन रहा है ना, तो एक और 2, फिर ये वाले का भी जोड़ा बन जा रहा है इसलिए एक और 2, और ये वाले का भी जोड़ा बन रहा है इसीलिए एक और 2। लेकिन अब ना तो 3 का बन रहा है और ना ये वाले 2 का बन रहा है, ना ये 2 और ये 3 का, तो इनको छोड़ देते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में इनको नहीं लेते हैं, जिनका कोई पेयर फॉर्म नहीं होगा उनको आप नहीं लेते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आता है,
टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, एट टू ज़ा सिक्सटीन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया? 16। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे बी को, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो सब में आएगा और सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। उसके लिए ज़रूरी क्या होता है? पेयर फॉर्म होना। जैसे अगर एक भी नंबर का पेयर फॉर्म नहीं हुआ तो हम वो नंबर्स को नहीं लेते हैं। ओके